महाराष्ट्र की रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित होने वाले दाभोल पावर प्रोजेक्ट कंपनी एक जमाने में भारत का सबसे बड़ा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था और इसका ये एक प्रतीक बन चुका था। ये 90s का वो दौर था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, जिसके कारण भारत एक ओपन इकोनॉमी बन गई थी और इन्वेस्टमेंट्स आना भी शुरू हो गए थे। पर इस वक्त भारत एक काफी नई ओपन मार्केट थी, उसके ऊपर से भारत की गवर्नमेंट थी काफी अनस्टेबल, जिसके कारण कई सारे मेजर वेस्टर्न कंपनीज और इन्वेस्टर्स ने भारत में इन्वेस्ट करने से कतराना चाहा। लेकिन इसी बीच साल 1992 में अमेरिकन एनर्जी कॉर्पोरेशन एनरॉन को भारत में अपॉर्चुनिटी दिखी और एनरॉन ने महाराष्ट्र के राज्य सरकार को 2184 मेगावाट्स के एलएनजी पावर प्लांट को रत्नागिरी के दाभोल में बनाने के लिए अप्रोच किया। इस प्रोजेक्ट को दाभोल पावर स्टेशन का नाम दिया गया, जो साल 1992 में $3 बिलियन की वैल्यू रखता था। ये भारत सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट थी ही, लेकिन इसके ऊपर भारत के एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाई गई थी। परंतु आज ये प्रोजेक्ट भूतकाल की सबसे बड़े गलतियों में से एक माना जाता है। तो आखिर क्या हुआ और आज दाभोल पावर प्रोजेक्ट कंपनी का क्या हाल है, वही समझते हैं। एनरॉन को महाराष्ट्र की राज्य सरकार से तो ग्रीन सिग्नल मिल गया था, परंतु वर्ल्ड बैंक ने कुछ फीजिबिलिटी इश्यूज के चलते इस प्रोजेक्ट के लिए लोन देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कई और लेंडर्स ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया, जैसे कि बेक्टल एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्ट किए 28 मिलियन, जनरल इलेक्ट्रिक ने भी इन्वेस्ट किए 28 मिलियन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्वेस्ट किए 298 मिलियन, बैंक ऑफ अमेरिका ने किए 150 मिलियन, ओवरसीज प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने किए 100 मिलियन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किए 5 मिलियन और एनरॉन पावर कॉर्पोरेशन, जो इस प्रोजेक्ट की मेजर लेंडर थी, उन्होंने कुल $223 मिलियन इन्वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और इसको फाइनेंस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को दो फेजेस में बनाया जाना था, जिसमें सबसे पहला फेज नेफ्टा को एस फ्यूल यूज करता 740 मेगावाट पावर बनाने के लिए, और इस यूनिट को सेटअप करने के बाद में दूसरा यूनिट जो बनता वो होता लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एस फ्यूल यूज करने वाला यूनिट, जो 1700 मेगावाट यूनिट पावर जनरेट करता। सारे फाइनेंशियल क्लियरेंसेस के बाद साल 1993 में एनरॉन इंटरनेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या MSEB के बीच पावर परचेज अग्रीमेंट साइन कर लेती है। पर इस अग्रीमेंट में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और एग्रीमेंट में लिखी गई कई सारी बातों को पब्लिक नहीं किया जाता। वर्ल्ड बैंक ने कई सालों तक इस प्रोजेक्ट का सीधे विरोध भी किया। महाराष्ट्र के विपक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध ही किया था, जब विपक्ष ने एक कैंपेन प्लेच किया था जिसके अनुसार वे सत्ता में आने के बाद एनरॉन को अरब सागर में फेंक देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। स्पष्ट शब्दों में कहे तो उन्होंने प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए, और 1995 में सरकार बदलती भी है, जहां पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा हॉल्ट कर दिया जाता है। पर साल 1996 में एनरॉन इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करती है और इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 20% तक पावर कॉस्ट कट वो करेगी, परंतु महाराष्ट्र गवर्नमेंट की MSEB भी एनरॉन से ज्यादा पावर खरीदने के लिए अग्री करेगी। साल 2000 में MSEB DPC को 4.67 किलोवाट आवर से पे कर रही थी ये चीजें, और कस्टमर्स को 1.89 रुपीस पर किलोवाट आवर टैरिफ चार्ज कर रही थी, यानी MSEB बहुत महंगी बिजली खरीद रही थी और ये किसी भी एंगल से फेजिबल नहीं था, 3 से 4 गुना महंगी बिजली खरीद कर बाद में कस्टमर्स को सस्ते में देना। हालांकि साल 1999 में ये ऑपरेशनल हो गया था, लेकिन जनवरी 2001 को MSEB का एक बड़ा फैसला आया, जिसके अनुसार DPC उसके महंगे पावर के लिए पे करना बंद कर देती है, और इस फैसले के तुरंत बाद कई सारे हाई लेवल US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडियन अथॉरिटीज को एनरॉन को पे करने के लिए बोलते हैं और DPC को अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए मनाने लगते हैं। हालांकि USA में भी एनरॉन के साथ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जहां एनरॉन के द्वारा एक बहुत बड़ा स्कैम का पर्दाफाश हुआ था, और इस स्कैम को पूरी दुनिया को पता चलते ही आखिर इंटरनली एनरॉन कितनी बड़ी खोखली कंपनी थी ये समझ में आई थी। साल 1985 में हुआ ये था कि लेस ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटरनॉर्थ, इन दो कंपनीज का मर्जर हुआ था जिनमें से बनी थी एनरॉन, और इन्होंने एक शातिर चाल चली जिसकी वजह से ये कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग थी नहीं, लेकिन प्रॉफिट फेक रेवेन्यूज के जरिए दिखाकर डेट उठाना शुरू कर दिया।
देती है। बेसिकली एनरॉन ने किया ये कि बहुत चालाकी से लॉबिंग करते हुए यूएस की कैपिटल मार्केट रेगुलेटर बॉडी से हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की जगह मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड यूज करने के लिए परमिशन ली। और जब ये परमिशन मिली तब एनरॉन ने अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का एक लूपहोल का फायदा उठाना शुरू किया, जिसकी मदद से अपनी बैलेंस शीट्स को ये मैनिपुलेट करती थी। बेसिकली ये चीज अगर समझाए तो ये ऐसा हो गया कि जनरली जब कंपनी किसी साल प्रॉफिट करती है तो उस समय पर जो प्रॉफिट हुआ वो बताती है और बता देती है कि ये चीजें जो है एक्स वाई जेड रिटर्न्स कंपनी के लिए ली आई। लेकिन एनरॉन कर ये रहा था कि अगर वो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करता है और उसको बोलता है कि 5 साल में इतना प्रॉफिट ली आएगी, तो उस प्रॉफिट को वो उसी समय उसी साल के बुक्स में लिख देता है और 5 साल में फिर अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो फिर भी प्रॉफिट बुक में रहते हैं और बुक में प्रॉफिट है तो लोगों को प्रॉफिट दिखता है, शेयर प्राइस बढ़ती है और कंपनी के शेयर प्राइस हैवी होने की वजह से उनको डेट उठाना ज्यादा ईजी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कार खरीदते हो ओला में चलाने के लिए और एक्सपेक्ट करते हो कि ये कार आपको 5 साल में 5 लाख रुपए लाके देगी एज प्रॉफिट, तो आप पहले साल में ही ये नहीं बोल सकते कि 5 लाख रुपए आ ही जाएंगे। वो जो कार है वो बंद पड़ सकती है, चोरी हो सकती है, मे बी ओला उबर का मार्केट डाउन हो सकता है, मे बी ये कंपनीज बंद हो सकती है, मे बी लॉकडाउन जैसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन अगर आपने पहले ही साल में बता दिया कि 5 साल तो इस वेंचर से आ ही जाएंगे तो वो होती है मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, जहां पर एनरॉन ने 10 साल 12 साल 15 साल के हिसाब से जो प्रॉफिट्स उनको एक्सपेक्टेड थे वो सेम साल में अपने बुक्स में लिखना शुरू किए, जिसकी वजह से पेपर पे ऐसा दिखता था कि एनरॉन बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है लेकिन एक्चुअली में उनके प्रोजेक्ट जिनके अंदर से वो पैसे बता रहे थे वो बहुत बड़ा चढ़ा कर बताई गई अमाउंट थी, इतने पैसे वो ना जनरेट करने वाले थे और उनको ये पता था। नवंबर 2001 को एनरॉन का भांडा फूट जाता है और एनरॉन ऑफिशियली बैंकक्रप्ट घोषित कर दी जाती है। एनरॉन के बैंकक्रप्ट होने के बाद दाभोल पावर कंपनी को भी गवर्नमेंट महाराष्ट्र के द्वारा शटडाउन कर दिया जाता है। साल 2004 में बेटल और जनरल इलेक्ट्रिक बैंकक्रप्ट हुए एनरॉन का 65% स्टेक को खरीद लेती है और ये दोनों कंपनीज डीपीसी के अंदर वन ऑफ द मेजर होल्डर्स बन जाती है, क्योरियल इंडस भी थी। साल 2004 में इन दोनों कंपनीज ने भारत सरकार को एट्रिब्यूशन फेस करने के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कोर्ट तक भी ले जाती है। एनरॉन ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर परचेस अग्रीमेंट साइन किया था और सरकार के द्वारा सॉवरेन परचेस गारंटी दी गई, इसके अनुसार अगर सरकार इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदेगी तो वो प्लांट के मेंटेनेंस के लिए पे करेगी। इसी के कारण भारत सरकार ये केस हार जाती है और भारत को करीब $300 मिलियन पे करना पड़ता है इन दो लेंडर्स को और 160 मिलियन जाते हैं बेटल को और जीई को मिलते हैं $145 मिलियन। अब फेज वन का पावर प्लांट पड़ा हुआ होता है जिससे साल 2006 में रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड या RGPPL रीनेम करके उनके ऑपरेशंस फिर से स्टार्ट कर देती है। हालांकि फ्यूल के नॉन अवेलेबिलिटी के कारण इसके ऑपरेशंस को कई बार वापस शटडाउन किया गया है। साल 2015 तक RGPPL के ऊपर कुल 10,500 करोड़ का डेट हो गया इस प्लांट को चलाने की वजह से, जिसके बाद ये लॉस मेकिंग कंपनी के कुछ डिविजन को स्प्लिट कर दिया गया, जहां RGPPL पावर प्लांट मैनेज करती है और कोकन LNG प्राइवेट कंपनी लिमिटेड या KLPL LNG इंपोर्ट मैनेज करती है। आज इस कंपनी के एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ स्टेट ओन्ड MSEB खरीद के इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करती है। बेसिकली हुआ यह था इस स्कैम के अंदर कि जब एनरॉन का भांडा फूटा यूएसए के अंदर तो एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आना शुरू हुई कि ये जो भी प्रॉफिट्स बता रहे हैं वो बिल्कुल भी आने वाले हैं नहीं, और जो महाराष्ट्र का दाभोल वाला पावर प्लांट था वो भी उनमें से एक था। जैसे ही स्कैम की न्यूज बाहर आई तब एनरॉन की शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई, तो वो ऑपरेट कर ही नहीं सकती थी कंपनी। और दूसरी दुनिया को भी देखने के लिए मिला कि ये जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा था वो वैसे भी कुछ काम में आ नहीं पाएगा, और इसके लिए जो $3 बिलियन का कॉस्ट रखने वाला डीपीसी पावर प्रोजेक्ट था वो एक व्हाइट एलिफेंट में तब्दील हो गया और इंडिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे खराब करने के लिए भी जिम्मेदार रहा, जिसके बाद में कई सालों तक भारत में पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आने से बहुत ज्यादा हिचकी जा रही थी। डीपीसी के फेलियर के बाद में कई सारे रिश्वत भ्रष्टाचार के केसेस भी सामने आए, यूएस गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स का भी नाम इसमें शामिल हुआ, बहुत बड़ा केस चला। लेकिन नुकसान जो इन द एंड हुआ वो एक बेस ऑफ टैक्स पेयर्स को हुआ, कई सारे एम्प्लॉयज को हुआ जो इसके अंदर काम करते थे और कई दूसरे कंपनीज को भी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया जानने मिला होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और मिलेंगे अगले वीडियो में।